जाने से पहले वीडियो एक बार पूरी देख लेना, क्योंकि आई बेट साहो मूवी का आपको बाहुबली मूवी से भी डबल मार। लेट्स गो। चलने वाला आग आधे हाथ को लगी हुई है, पर सिर्फ उंगलियां डालने से सारे हाथ से आग बुझ गई। अब अशोक हाथ ही उड़ा होता है और वो दो छुरे भी हमें कहीं गिरते नजर नहीं आए। यहाँ जब अशोक और ये चित्रकोट गिरते हैं तो पहली बात तो ये कि ग्रिल लकड़ी की बनी हुई है, जबकि बाहर तो लोहे की लगी होती है। हाँ हाँ भाई, नजर आ गई ना आपको कि ये लकड़ी है। और दूसरी बात है, और ऐसे अशोक भैया यहाँ से भी निकल जाते हैं। अब आते हैं ये पहलवान ये अखाड़े में, और भाई ये बंदा 3-3 किलो का डंबल्स उठाकर सुल्तान बनना चाह रहा है। अब इतने छोटे छोटे डंबल्स तो भाई 3 किलो के ही होंगे ना। और भी जब अशोक भैया जब इस चित्रकूट को ये चीज मारते हैं तो उड़ कर जाता है, और उड़ देखो कैसे रहा है। नहीं मतलब ये क्या है भाई, रस्सी रस्सी बंधी हुई है उसके पीछे, इसलिए उड़ा है। और अभी लेटा हुआ है तब भी इसके पीछे रस्सी क्लियरली नजर आ रही है। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। और जिस बंदे के लिए अशोक ने इतना कुछ किया, वो बंदा बाहर कब से ऐसे लटका हुआ है और अभी भी जिंदा है। अब यार बंदा या टाइगर जो अभी भी जिंदा है, नहीं यार मतलब इसके गले में रस्सी डालकर लटकाया होगा कब से, और कम से कम 1-2 मिनट तो लटका ही होगा, पर फिर भी नहीं मरा। ये सीन देखकर तो फांसी भी कहती होगी, एम आई गेट जॉक टू यू। और पीछे से इसके हाथ भी रस्सी के साथ बंधे हुए थे, पर जब नीचे गिरता है तो पीछे हाथ तो खुले हुए हैं। मतलब सही खेल गया लड़का, मतलब अंकल टाइप का लड़का। इस सीन में इन सब को बगाड़ लिया, क्योंकि इन सब ने मिलकर 2000 करोड़ की चोरी की है। मतलब पूरे बाहुबली का बॉक्स ऑफिस लूट दिया, और इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने चोरी की है। तो ये चित्रकूट कहता है कि मुझे एक लेटर मिला था कि बस एक गोली चलाओ और मैं बिजली का बिल दे दूंगा, और अगर हम इस गन को देखें तो इस गन में तो कोई गोली है ही नहीं, पर फिर भी गोली चल जाती है। और ये सब ज्वेलर्स की शॉप पर आकर इतना सारा माल लेकर जा रहे हैं, और ये ज्वेलर्स इतना डर के दे रहे हैं सब कुछ, पर फिर भी इन सब को ये समझ नहीं आया कि ये सब चोरी कर रहे हैं। वाह भाई, अभी बंदा फिर गोली चलाता है और कहता है, पहले जब इसे लेटर मिला था तब तो उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। चलो माना कि जादू से इस लेटर के पीछे कुछ लिखा आ भी गया, तो क्या इसने ये लेटर पलटने में घंटा लगा दिया, कि पहली गोली और आखिरी गोली के बीच बीच में उन सब ने चोरी भी कर ली, और वो करने में मिनिमम आधा घंटा या घंटा तो लगा ही होगा ना। और फिर ये लास्ट बंदा कैश को इस गाड़ी में डालता है और गाड़ी करके निकल जाती है। पर वेट वेट, इस चित्रकूट ने क्लियरली गाड़ी के ट्रंक में ये बैग डाले, और इस गाड़ी में तो इतना बड़ा ट्रंक होता ही नहीं, क्योंकि ये गाड़ी पकानी हो रहा है और इसका एक छोटा सा ट्रंक होता है वो भी पिछले टायर के पास। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। इसी में अब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, और हालकी जी के पास है तब बिग ब्लैक बॉक्स। जब ये चित्रकूट आकर गोलियां चलाता है तो इस एंगल से गोलियों के निशान भी पड़ रहे हैं, और जब कैमरा थोड़ा सा ऊपर से दिखाता है तो वो निशान तो वहां से गायब हो जाता है। मतलब थोड़ा सा निशान है, अब जो गोली चलाई है ना ऐसा निशान था पहले भी। अब इन सब ने अमृता पर अटैक कर दिया, तो जब वो गोलियां चला रहे हैं तो इस रेड कार पर भी गोलियों के निशान पड़ रहे हैं, पर जब कैमरा फ्रंट से आता है तो इस गाड़ी पर तो एक दूसरे भी गोली का निशान नहीं है। और वैसे भी चित्रकूट गोलियां यहां से चला रहा है, पर गाड़ी को गोलियां इस साइड से लग रही है। अब प्लीज ये ना कहना कि पहले इस गाड़ी को लगती होगी गोली फिर जाकर इसे लगती होगी। और भाई ये गोली है कोई स्नूकर की बॉल नहीं। अब आ गए अशोक भैया, तो अशोक भाई के आने से चित्रकूट गोलियां चला रहा है। जब कैमरा अशोक पर आता है तो पीछे तो वो कोई गोलियां बोलियां नहीं चला रहा, और आधे बच्चों की तरह गन पर की हुई है। उसके बाद खालकी कहती है कि ट्रैफिक खुल गई है, गाड़ी निकालो। बट क्योंकि भाई इतनी गोलियां चली हैं यहाँ पर, तो सब लोग तो अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए थे, और ये गाड़ियां भी सब अंदर से खाली हैं, तो भाई फिर ट्रैफिक कैसे खुल गई? एक्सप्लेन अस प्लीज। बस इतनी बड़ी मिस्टेक पर थोड़ा सा तू जमानत तो बनता है ना। और ये चित्रकूट सीधा अशोक भैया पर गोलियां चलाता आ रहा है, पर अशोक भैया को तो कोई दूसरी भी गोली नहीं लगती पीछे, बल्कि अब इन्होंने घूम कर उसे ही गोलियां मार दी। यहाँ जब अशोक अपनी कार से इस कार को हिट करता है तो ये दोनों कार्स घूमने लग जाती है, और ये गाड़ी आगे जा रही है और पीछे गाड़ियां अभी भी घूम रही हैं। और जब कैमरा इस साइड से दिखाता है तो पीछे से तो अशोक भैया की कार ही गायब हो जाती है, मतलब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही अशोक भैया वाली स्पोर्ट्स कार। और जब कैमरा वहां से थोड़ा सा जूम मारता है तो फिर से घूमती आ रही है। यहाँ पर अब ये पता चल गया है कि ये बंदा अशोक है, और अपने प्रभास भैया अशोक नहीं बल्कि साहू है। तो जब इन पुलिस वालों को पता चलता है तो सब पुलिस वाले उनकी तरफ अपनी गन कर लेते हैं, पर गोली चलाता कोई भी नहीं है। नहीं मतलब साहू को कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से जाकर चिल मार कर अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, और ये सब पुलिस वाले बस देख ही जा रहे हैं। अब यार गोली चलाओ। और यार इतनी ऊपर से इन्होंने जंप लगाई है कि नीचे आते आते 1 मिनट लग गया, तो भाई साहू भैया तो लगता है कल रात को ही चढ़ना शुरू होंगे
इस माउंटेन पर जो अब जंप लगा रहे हैं, क्योंकि इतना ऊंचा है ये, और जब ये पैराशूट से नीचे आ रहे हैं तो अभी भी इतना ऊपर ही है और खुद ही पैराशूट खोल कर लैंड कर लिया। ऊपर से इनका कोई पैराशूट भी नहीं टूटा। वाह भाई, लगता है फिल्म साहो है, पर साहो की जगह बाहुबली आ गए। और नीचे उतर के जरा सिक्स पैक्स देखो। अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर क्लियरली फेक एब्स लग रहे हैं। यहाँ जब ये चिरकुट गोले चलाता तो ये शीशा टूट जाता है। जब साहो भैया अमृता को उठाते हैं तो तब भी पीछे से टूटा हुआ है, और जब कैमरा यहाँ से दिखाता है तो वो तो खुद ही जुड़ जाता है। ये बंदा मशीन गन चला रहा है जिससे गोलियों की बारिश हो रही है यहाँ, और ये दोनों बीच में से ही भागते भागते जा रहे हैं। पर दूसरी भी गोली किसी को मिलने लगी इन दोनों में से। अभी ये मशीन गन भी कहती होगी, हमको पागल बना रहा है। और अंग्रेजी चिरकुट गोलियां चला रहा है और ये गोलियां गिर भी रही है, पर ये गोलियां मशीन गन मन में नहीं जा रही, मतलब वहीं की वहीं लटकी हुई है और अंदर कोई भी नहीं जा रही। इस सीन में ऐसा कुछ सीन दिखाया जा रहा है कि सूरज और चांद एक साथ है, जो कि आई थिंक इज नॉट पॉसिबल। और जब ये चिरकुट साहू को किक मारता है तो साहू भैया इसका ही पांव तोड़कर इसके मुंह में मार देते हैं। और यार टूटा हुआ पांव इसका है ही नहीं, क्योंकि इसने अपने पांव पर कोई भी सॉक्स नहीं पहने, मतलब पहने भी होंगे तो छोटी वाली सॉक्स पहनी होगी। पर जो पैर इसके मुंह पर मार रहे हैं उस पर तो ये लंबी वाली सॉक्स चढ़ी हुई है। हाँ भाई पीछे तो देखो, उस देर पहले चंदा मामा और सूरज चाचू एक साथ थे, तो अब तो वहाँ से चंदा मामा ही गायब हो गए। तो सही कहा था ना मैंने कि इट्स नॉट पॉसिबल कि ये दोनों ऐसे एक साथ नजर आए, कभी मान लिया करो भाई की बात। और जब ये तजोरी गिर रही है तो उसके प्रेशर से ये लड़की तो हिल ही रही है, पर देवराज अंकल तो उड़ना शुरू हो गए। मतलब मैं बता रहा हूँ इतना प्रेशर तजोरी गिरने का, पर पीछे वाली लड़की को तो इतना सा भी प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ी चिल मार के वैसे की वैसी खड़ी हुई है। इसी में अशोक अमृता को इमेजिन करवा रहा है कि यहाँ मर्डर कैसे कैसे हुए, पर ये तो ऐसे सब बंदों को देख रही है जैसे रियल में देख रही है। बट आई रिपीट, अशोक यहाँ सब इमेजिन करवा रहा है। यहाँ अमृता और अशोक हैंडबॉल देखो कैसे खेल रहे हैं, मतलब यार जैसे ये दोनों खेल खेल कर खुश हो रहे हैं ना, वैसा खेलना अलाउ ही नहीं होता। इसी में जब ये अंकल उठते हैं तो अपनी चेयर पीछे फेंक देते हैं, और जब रॉय आता तो तब भी इनके पीछे चेयर नहीं है, और जब रॉय इनके पास आता है तो वो तो चेयर खुद ही वहाँ दोबारा आ जाती है। आपकी कंफर्मेशन के लिए इस एंगल से भी वहाँ आ गए चेयर। यहाँ जब अमृता यहाँ से जाती है तो बीपी बोने लग जाता है, मतलब कोई मेटल डिटेक्ट हुआ है। तो अशोक उसे पीछे करके उसका पुलिस का बैज निकाल कर फिर आगे भेजता है। पर भाई जब अशोक भैया ने अमृता को पीछे किया तब इनके दोनों हाथ खाली है, क्योंकि ये वाला भी खाली है और ये भी कमर के साथ ही लगा हुआ है, मतलब जैसे पहले कमर पकड़ी थी वैसा ही अभी भी कमर पर ही है। फिर कैसे अमृता का बैज निकाल लिया, एक्सप्लेन प्लीज। अब अशोक आया तो इसे इस चिरकुट ने कहा है कि वेट सर, पर फिर भी ये वहां से आगे चला गया और इसे पकड़ा भी नहीं इन्होंने। पुलिस यहाँ इस ट्रक को रोकने के लिए ट्रैप लगा रही है, पर जब ये ट्रक आता है तो पीछे के एंगल से तो कोई ट्रैप रोड पर नजर नहीं आ रहा। अब ये ट्रक इन गाड़ियों को लग रहा है तो इन गाड़ियों की फट रही है, ये गाड़ियां फट रही है। पर इस गाड़ी को तो अभी तक इतू सा भी ट्रक टच नहीं किया और इस गाड़ी की आगे स्पार्किंग होने शुरू हो गई, मतलब आग ट्रक के टकराने से नहीं बल्कि रिमोट वहां से लग रही है। यहाँ जब ये गरीबों का जोड़ी भैया साहू पर गोलियां चला रहा है तो अमृता पंगा करती है तो यहाँ चलने लग जाती है, तो क्लियरली यहाँ आगे से गोलियां चल रही है और हेलीकॉप्टर तो साइड पर है। मतलब इसे करिश्मा का करिश्मा कहूं या अपने बीड़ू जादू का जादू, वो अब आप डिसाइड करो। साहू फ्लाइंग सूट पहनकर अब अमृता को कैच करने जा रहा है जो हेलीकॉप्टर से गिर रही, तो बीच में इसका पेट्रोल खत्म हो गया तो वो सूट उतार कर खुद आगे निकल जाते हैं और सूट वहीं रह जाता है। इस सूट का इंजन ही तो बंद हुआ है, कौन सा सूट ने ब्रेक के लगा दी जो वहीं पे रुक गया। और साहू भैया आगे निकल गए, ये सूट एक प्रेशर से उड़ता आ रहा था तो इस सूट को भी तो आगे उड़ता रहना चाहिए था ना, ऊपर से अमृता को भी सीधा गिरना चाहिए, पर वो तो हवा में खुद ही मुड़ी जा रही और खुद ही साहू की तरफ जाई जा रही है। और जब अमृता गिर रही होती है तो नीचे कहीं भी इतना सा भी पानी नहीं है, पर साहू जब इसे कैच करता है तो ये दोनों तो जाकर पानी में गिरते हैं। अब साहो भैया अमृता को कहीं और ही उड़ा कर ले गए हो तो वो बात कुछ और है। अब यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि साउथ फिल्मों में एक बंदे को मारने के लिए 100 लोग आ जाते हैं और फिर भी उस अकेले से ही मार खा रहे होते हैं, और यहाँ तो साहो भैया ने इस टकलू को ऐसे किया, मतलब हाथ लग कर भी चला गया और फिर जाकर उड़ा ही, और उड़ता उड़ता भी पता नहीं कहाँ चला गया जो नीचे नहीं आया अभी तक। आप लोगों ने पतंग उड़ती तो देखी होगी, पर साहो भैया ने चिरकुट को पतंग जैसा उड़ा दिया, मतलब जैसे चेन को ऐसे किया और बंदा ऊपर। भाई वैसे ये ट्रिक तो आई गेस बाहुबली को भी नहीं आती होगी। साहू के फेस पर सब चिरकुटों का खून लगा हुआ है, तो हाथ से देखो साफ कैसे कर रहे हैं, यार खून लगा है तो उसे तो ऐसे हाथ पेड़ने से फैल जाना चाहिए था ना, पर ये खून तो गायब ही हो ही जा रहा है और बिल्कुल क्लियर फेस हो गया जैसे किसी सोप से वॉश किया हो। इस पर तो आई मस्त से और ये था आखिरी जादू। इस
बंदे ने देवराज की गर्दन पर ये चीज मारी है, पर खून तो फेस से निकल रहा है, जबकि जहाँ लगी थी वो चीज वहाँ से तो कोई खून होने नहीं निकल रहा। और साहू भैया देवराज को डंडा मार तो रहे, पर देवराज को डंडा लगता कोई नजर नहीं आया। भाई अब उनको एक बात समझ नहीं आई, कितनी कमाल फिल्म है साहू, भाड़ू सस्पेंस है फिल्म में, पर फिर भी 5.5 रेटिंग। अब यार मिस्टेक तो हर मूवी का पार्ट होता है, और इट्स जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, बट मूवी तो एकदम धासु थी बॉस। तो ये बोनस पॉइंट मैं उन चेकर लोगों के लिए ऐड करूंगा जिन्होंने इस मूवी को इतने कम स्टार्स दिए हैं, जबकि फॉर मी दिस मूवी डिजर्व मिनिमम 8-9 स्टार्स। खैर आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, घंटे का बटन है ना, घंटे दबाने में तो वैसे ही आपको बड़ा मजा आता होगा, तो वो घंटे का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना।